हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। होपफुली आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का टॉपिक होगा नॉर्मल गुड्स एंड इन्फीरियर गुड्स। नॉर्मल गुड्स और वर्सेस इन्फीरियर गुड्स हम देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, व्हाट आर नॉर्मल गुड्स। नॉर्मल गुड्स क्या होते हैं? नॉर्मल गुड्स आर कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। ये वो उस टाइप के गुड्स होते हैं या क्लोथिंग होती है जो कि सुपीरियर गुड्स भी बोला जाता है इनको, जब एक कस्टमर की या कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना, नॉर्मल गुड्स आर कंज्यूमर प्रोडक्ट्स सच एज फूड्स एंड क्लोथिंग दैट एग्जिबिट अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड इनकम। एज अ कंज्यूमर्स इनकम राइजेज द डिमांड फॉर नॉर्मल गुड्स ऑल्सो इंक्रीजेज। मतलब क्या हुआ कि जब कस्टमर की या कंज्यूमर की इनकम बढ़ेगी तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड भी क्या है, बढ़ जाएगी। नॉर्मल गुड्स बेसिकली सुपीरियर गुड्स कहलाते हैं और इनको आप क्या कह सकते हैं कि ये उस टाइप के गुड्स होते हैं जो ज़्यादा कंज्यूम करना चाहेगा कोई भी इंसान जब उसकी इनकम बढ़ जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर हम आपको आगे पिक्चर से भी बता देंगे, जैसे कि सुपीरियर गुड्स मतलब अच्छी क्वालिटी के गुड्स, ज़्यादा बेटर लाइफस्टाइल के लिए अच्छे गुड्स। तो जब इंसान की इनकम बढ़ेगी तो वो ज़्यादा अच्छी चीज़ें खरीदना स्टार्ट करता है, तो वही नॉर्मल गुड्स होते हैं। ठीक है, उसके ऑपोजिट होते हैं इन्फीरियर गुड्स। कि वॉट इज़ एन इन्फीरियर गुड? इन्फीरियर गुड क्या होता है? इन्फीरियर गुड है, एन इन्फीरियर गुड इज़ एन इकोनॉमिक टर्म दैट डिस्क्राइब्स अ गुड हुज डिमांड ड्रॉप्स व्हेन पीपल्स इनकम राइज। यानी कि जब पीपल की इनकम बढ़ेगी, लोगों की इनकम बढ़ेगी, तो क्या होगा, इन्फीरियर गुड की डिमांड कम हो जाएगी। बिल्कुल ऑपोजिट होगा। जैसे नॉर्मल गुड में क्या होता था, नॉर्मल गुड में जब इंसान की इनकम बढ़ती थी, कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है, इंक्रीज होती है, तो डिमांड भी बढ़ती है, वो ज़्यादा कंज्यूम करेगा, ज़्यादा परचेज करेगा, यानी कि उसके पास परचेजिंग पावर बढ़ गई तो नॉर्मल गुड्स भी ज़्यादा खरीदेगा, ज़्यादा कंज्यूम करेगा। ऑपोजिट इन्फीरियर गुड के, इन्फीरियर गुड होगा सस्ती क्वालिटी के गुड, कम प्राइस के। जैसे कि एक तो आप चावल खाते हो 50 रुपये किलो वाला, और एक चावल होता है 150 रुपये किलो वाला। ठीक है, तो 150 रुपये किलो वाला 150 पर केजी का जो राइस है वो आ जाएगा नॉर्मल गुड में, राइट। और जो 50 रुपीज़ पर केजी मैंने आपको एग्जांपल दिया वो आ जाएगा इन्फीरियर गुड में। इसकी वाइसा वर्सा रहता है, ऑपोजिट होता है। इस अगर कंज्यूमर की डिमांड इनकम बढ़ती है तो इन्फीरियर गुड की डिमांड कम हो जाएगी। ऑपोजिट इनका नेगेटिव इफेक्ट होता है इनकम का, और नॉर्मल गुड में पॉजिटिव इफेक्ट होता है इनकम का। दीज गुड्स फॉल आउट ऑफ फेवर एज इनकम्स एंड द इकोनॉमी इम्प्रूव एज कंज्यूमर्स बिगिन बाइंग मोर कॉस्टली सब्स्टिट्यूट इंस्टेड। लोग क्या करते हैं, जब उनकी इनकम बढ़ती है तो वो कॉस्टली प्रोडक्ट्स खरीदने शुरू कर देते हैं। ठीक है, अगर वो इंसान पहले फॉर एग्जांपल 5 रुपये का पेन खरीदता था, अगर उसकी इनकम बढ़ेगी तो वो अच्छा पेन खरीदने की कोशिश करेगा। इकोनॉमी में आप अगर जनरली भी देखोगे तो आपको ये चीज़ें समझ आ जाएंगी कि आप फिर इंसान 20 वाला खरीदेगा, और इनकम बढ़ेगी 50 वाला, फिर और अच्छा कोशिश करेगा लेने की। अगर हम ये एक छोटा सा एग्जाम्पल समझें, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे आपको ये डिफरेंस भी दिखा रखा है नॉर्मल गुड्स का और इन्फीरियर गुड्स का। अच्छी क्वालिटी का मिल्क लेना स्टार्ट करेगा कंज्यूमर, अच्छी क्वालिटी का जैम लेना स्टार्ट करेगा, इन्फीरियर गुड्स को कम कर देगा जैसे उसकी इनकम बढ़ेगी, अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स यूज़ करना स्टार्ट कर देगा। यहाँ पर देखिए, आपको चाउमीन दिखाई दे रही होगी, नूडल्स दिखाई दे रहे हैं दोनों पिक्चर्स में। ये वाला हो गया आपका नॉर्मल गुड, एन से डिनोट कर सकती हूँ मैं इसको, और ये हो गया आपका इन्फीरियर गुड जिसको कि मैं आई से डिनोट कर सकती हूँ। तो आप इन दोनों में क्लियरली बता सकते हैं कि कौन से कॉस्टली होगी इसमें नूडल्स। यस, नॉर्मल गुड्स में ये वाली लेफ्ट वाली
कॉस्टली होगी, नॉर्मल गुड है. तो व्हेन कंज्यूमर स्टार्ट्स अर्निंग मोर एंड हिज इनकम इंक्रीजेस देन ही विल स्टार्ट कंज्यूमिंग मोर नॉर्मल गुड्स एज कम्पेयर टू इन्फीरियर गुड्स, और इन्फीरियर गुड की कम कर देगा. देखिए नीचे यहाँ पर एक आपको ग्राफ भी बताया हुआ है, पिक्चर से भी आपको समझाने की कोशिश की गई है. देखिए जैसे कंज्यूमर की इनकम बढ़ेगी, लेफ्ट पे इनकम देख रहे हैं आप, और ये आप इस एक्स एक्सिस पे डिमांड है और वाई एक्सिस पे है इनकम. तो जब इनकम बढ़ेगी तो नॉर्मल गुड्स की क्या है, कंज्यूमिंग बढ़ेगी, परचेजिंग बढ़ेगी, और जब इनकम बढ़ेगी तो इन्फीरियर गुड्स की डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. रेड से आपको इन्फीरियर गुड्स बता रखे हैं. ऑपोजिट चलते हैं दोनों. और अब यहाँ पर हम सामने सामने देखिए एग्जैक्टली इसको ऑपोजिट लिखे हुए हैं, इन्फीरियर गुड्स वर्सेस नॉर्मल गुड्स. बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, एक बार समझ आ जाएगा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको. इन्फीरियर गुड्स आर द टाइप्स ऑफ गुड्स विच फॉर विच डिमांड डिक्रीजेज एज इनकम इंक्रीजेज एंड वाइस वर्सा. मतलब जैसे इनकम बढ़ेगी इन्फीरियर गुड्स की डिमांड घटेगी, और जैसे इनकम घटेगी इन्फीरियर गुड्स की डिमांड बढ़ेगी. जबकि ऑपोजिट में नॉर्मल गुड्स की इनकम के साथ डिमांड बढ़ेगी और इनकम कम होने के साथ डिमांड कम होगी. ये सेकेंड पॉइंट कह रहा है इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द इनकम ऑफ द कंज्यूमर. इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मतलब जैसे इनकम बढ़ेगी कंज्यूमर गुड्स की कंज्यूमिंग क्या होगी, कम होगी. और नॉर्मल गुड्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि इनकम बढ़ेगी तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड भी बढ़ेगी, ज़्यादा नॉर्मल गुड्स खरीदेगा कंज्यूमर. इन्फीरियर गुड्स होते हैं बेसिकली लोअर क्वालिटी के गुड्स, और नॉर्मल गुड्स होते हैं अपर क्वालिटी के गुड्स, या आप बोल सकते हैं इसको सुपर क्वालिटी गुड्स भी बोल सकते हैं. ठीक है, फोर्थ पॉइंट है कंज्यूम बाय लोअर इनकम ग्रुप. अब जो ऐसे भी इनकम ग्रुप्स हैं इकोनॉमी में जो कि सैलरी बेस्ड हैं और वो कम ही कमाते हैं पूरे साल या पूरे मंथ का अगर देखेंगे, तो वो कम कीमत की चीज़ें ही खरीदना पसंद करेंगे, इन्फीरियर गुड्स ही खरीदना पसंद करेंगे, क्योंकि उनकी पॉकेट मनी उतना ही अलाउ करेगी. और नॉर्मल गुड्स ज़्यादातर कौन खरीदेगा, नॉर्मल गुड्स आर कंज्यूम बाय नॉर्मल इनकम लेवल पीपल, जिनकी इनकम लोअर इनकम से ज़्यादा होगी या नॉर्मल होगी. ठीक है, वो उसे कॉन्टीन्यूटी में खरीदते रहेंगे. एग्जाम्पल क्या है यहाँ पर, देखिए एग्जाम्पल भी दे रखे हैं. एग्जाम्पल्स नूडल्स, इन्फीरियर गुड्स में पास्ता, वीट एक्सेट्रा, और यहाँ पर नॉर्मल गुड्स में भी एग्जाम्पल दे रखे हैं, वीट, राइस, क्लोथ्स. ठीक है, अब तो क्लोथ्स भी में भी अच्छी क्वालिटी भी होती है, एक 100 रुपये वाला टी शर्ट भी होता है और एक 2000 रुपीज़ वाला भी होता है ना, तो अलग अलग ऐसे होते हैं इसके अंदर. तो होपफुली आपको समझ आ गया होगा ये कॉन्सेप्ट, इन्फीरियर गुड्स क्या होते हैं और नॉर्मल गुड्स क्या होते हैं. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो. सी यू इन नेक्स्ट वीडियो.